ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो NIOS के माध्यम से जो DL.ED प्रोग्राम चलाई जा रही है उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों के लिए आपके बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को छांट के लिए बनाया हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आप लोगों को मैं बता दूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन में और भी दिक्कत हो, नहीं आता हो, तो आपने नोटबुक में नोट करते चाहिए चलिए, ताकि बहुत समय कम है और आप लोगों को पढ़ना बहुत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छांट के आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हाथ तक आप पढ़े हैं, क्या क्या सब बाकी है पढ़ना। तो चलिए मैं एक नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, तीसरा में रहेगा कॉलेज शिक्षा और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। दूसरा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन रहेगा निकट बैठना, दूर बैठना, बगल में बैठना और नन ऑफ दीज। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट में बैठना। तीसरा है प्राचीन काल में अध्यापन विधि कैसी थी। तो प्राचीन काल में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। तो एक में है मौखिक संवाद द्वारा, पुस्तक से, दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था और नन ऑफ दीज। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरु के द्वारा दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन उस समय कोई पुस्तक नहीं होता था। उस समय बच्चे गुरु द्वारा बताए गए बातों को रट लेते थे, सुनते थे, वस्तुओं को देखकर सीखते थे। तो उस समय जो भी गुरु जी जो बात बताते थे उनको बच्चे कंठस्थ कर लिया करते थे, रट लिया करते थे। मौखिक संवाद होता था, प्रश्नोत्तरी विधि से प्रश्न पूछा जाता था। और चौथा है बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किनके द्वारा हुआ था। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, मैकाले द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा और जीजू भाई बधेका द्वारा। तो इसका आंसर, राइट आंसर है महात्मा गांधी द्वारा। प्रथम बार 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें वुड डिस्पैच के द्वारा, वुड डिस्पैच के द्वारा। तो इस उसमें तीन कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें आपको ऑप्शन डी रहेगा इस प्रकार, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर सभी है, तीनों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2010, सॉरी 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 13 जनवरी 2002, सॉरी 13 जनवरी 2002। तो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 2010 है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कितने उम्र तक के बालक को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो इसका आंसर है एक नंबर ऑप्शन में रहेगा 7 से 10 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक। तीसरा में ऑप्शन है 1 से 14 वर्ष तक के लिए, 5 से 14 वर्ष तक। तो इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। उसके बाद ऑप्शन है, पहला लास्ट क्वेश्चन है कि UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन में रहेगा अंबेडकर, तीसरा में राधा कृष्णन और चौथा में राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है राधा कृष्णन। उसके बाद है मुदालियर आयोग का गठन किसके शिक्षा के लिए गठित किया गया था। तो एक में है प्राथमिक शिक्षा, दो में माध्यमिक शिक्षा, तीसरा में हाई स्कूल शिक्षा और नन ऑफ दीज। तो मुदालियर आयोग की स्थापना माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया था। NCERT का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको सबसे पहले NCERT का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए और मैं अगले आगे मैं सब कुछ बताऊंगा।
ऐसे मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका मुख्यालय दिल्ली है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को मेरे चैनल पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बुक से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू, नाइस डे।